अरे काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है हमारी, तो इसमें हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे, काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारे पुराने दोस्त और नए नए किरदार भी। तो शांति से देखिए इस वीडियो को, एंड से पहले स्किप ना करने की दरख्वास्त जरूर करेंगे आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रूमी बीस्ट। इट्स बीन सो लॉन्ग, मैंने काफ़ी वीडियो पोस्ट नहीं किया, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, दैट मीन्स यू लव मी अ लॉट। ठीक है, एंड सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, मैं दिल्ली अभी डिपार्ट कर चुका हूँ, एंड आज के सफ़र में बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज आई मेट अ रैंडम गर्ल, नाउ शी इज माई फ्रेंड। यू वांट टू से समथिंग? हाय, नथिंग, न्यू टू द कैमरा। ओके ओके, शी इज न्यू टू द कैमरा, एंड विल सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलने, उनसे उनके साथ थोड़ा चिल आउट करूँगा, उसके बाद शाम को 7 बजे की ट्रेन है, देखते हैं क्या क्या होता है। जस्ट स्टिक टू द वीडियो। मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड लगभग 2 साल हो गए हैं, बट ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि इनसे 2 साल के आसपास हो गए हैं मिले, कि हम लोग अभी तो मिले हैं। अच्छा लकी भाई, ये बताओ कब से आतंकवादी बनने की सोची? मैं ये बनना नहीं चाहता था। मास्क हटाओ पहले, आपकी आइडेंटिटी दिखाना चाह रहा था। ए यार कर रहे हो, देख रहे हो ऊपर की में लकी भाई। जय जय हिंद। क्या बोले, चैनल का क्या नाम है? तो ये मेरे रोमिंग बीस्ट। रोमिंग बीस्ट। तो लोगों को छोड़ के मैं फिर से जा रहा हूँ, और हमने लंच वंच कर लिया, एंड अभी घर को जा रहे हैं, घर को नहीं मतलब अगले डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो ये लोग मेरे लिए आए थे मिलने, और तब आई लव यू, लिविंग फॉर माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन उदयपुर, एंड देखते हैं इसके बाद के प्लान्स क्या होते हैं। ये हमारा दिल्ली का शॉर्ट विजिट था, क्योंकि एक हॉल्ट मिला था मुझे 3 घंटे का, तो वी हैड लंच एंड एंजॉयड। अब मैं जा रहा हूँ सराय रोहिला, वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है उदयपुर के लिए, एंड ये उदयपुर का ब्लॉक था लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच गया दिल्ली में, सो विल मीट देयर इन उदयपुर। ओके बाय। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स अ न्यू डे, एंड मैं अभी तक उदयपुर नहीं पहुँच पाया हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। मैं उस वक्त दिल्ली में था, बट ट्रेन के पीछे भागता रहा, किसी ने चेन नहीं की थी, एंड आई वाज मिसिंग माय दैट मूवी जब मैं हिट, एंड जहाँ करीना बोलती है कोई तो चेन खींच लो, वो हालत हो रही थी मेरी, और मेरी मेरे मुंह से निकल ही आया था ऑलमोस्ट कि कोई तो चेन खींच लो, बट जो भी हुआ आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। व्हाटएवर, मैंने ट्रेन देखी एंड मुझे जयपुर के लिए ट्रेन मिल गई है। नाउ जयपुर, इट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड अभी मैंने फटाफट फिर से ट्रेन देखी कि यहाँ से पहुँची है, मुझे ट्रेन की सीट मिल गई, थैंक गॉड कि मुझे सीट प्रॉपर मिल गई, कि मुझे प्रॉपर रिजर्वेशन मिली है। हम यहाँ से सीधा उदयपुर पहुँचेंगे करीब 1:30 बजे, अगर मैं उसी ट्रेन से आता तो 5 बजे तक ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका होता, बट कोई नहीं, हाफ डे मेरा बिगेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, लेट्स सी बाकी का हाफ यूज कर लेंगे, एंड आगे की वीडियो बहुत ही अच्छी आ रही है, एंड जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, यू विल लव इट। सो फाइनली आफ्टर स्किपिंग अ ट्रेन, उसके बाद 2 ट्रेन चेंज करके उदयपुर पहुँच चुका हूँ। मेरी ऑलमोस्ट सारी जर्नी ऐसी होती है भागते भागते, और कुछ ना कुछ ट्रैगेडी हो ही जाती है, बट एट दी एंड जो आउटपुट निकल के आता है बहुत ही अच्छा होता है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा ही कॉन्टेंट यहाँ से बना के लेगा। सो उदयपुर फाइनली पहुँच चुका हूँ, मुसाफिर हॉस्टल हमने बुक किया है, वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ देखते हैं सारे फ्रेंड्स वहीं ऑलरेडी है, एंड लेट्स सी। अभी जाके तो थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा फ्रेश अप होऊंगा, लंच करूँगा, उसके बाद प्लान आउट करते हैं कहाँ जाना है, क्या एक्सप्लोर करना है, तो विल सी लेटर, बाय। मैं पता है मैं रेस्ट करने वाला बंदा तो हूँ ही, ट्रैवल करने आया हूँ तो ट्रैवल ही करूँगा, एंड हॉस्टल में
सारा सामान वगैरह रख के आ गया, फ्रेशन अप हो गया एंड वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे सिटी पैलेस को, मैंने रोक लिया क्योंकि मुझे भी सिटी पैलेस एक्सप्लोर करना था और आज का दिन निकल गया तो पूरा दिन निकल जाएगा एंड कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू सिटी पैलेस। बाद में आके रात को रेस्ट कर लेंगे, जो भी थकान हुई है दिन भर के ट्रैवलिंग में। तो अभी सिटी पैलेस में दिखाता हूँ और हॉस्टल में बाद में दिखाऊँगा हॉस्टल का व्यू कैसा है एंड एवरीथिंग अबाउट हॉस्टल। सिटी पैलेस एंड टिकट चार्जेस काफ़ी कॉस्टली है, 300 रुपीज़ पर हेड है। आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड वगैरह है तो 100 रुपीज़ पर हेड एंड बच्चों के लिए भी 100 रुपीज़ है, बट एडल्ट वयस्कों के लिए 300 रुपये है। और काफ़ी बड़ा पैलेस है और अगर आप गाइड लेते हो तो 300 एक्स्ट्रा देने होंगे, बट वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब आप देख लो आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए या सिर्फ एक्सप्लोर करना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट मैंने लिया नहीं। मुझे अपने फ्रेंड्स लोग गए उसी से डिटेल्स ले लूँगा। ओके लेट मी शो यू दी अदर थिंग्स। अभी यहाँ म्यूज़ियम है, ये बड़ा सा म्यूज़ियम है फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पूरा म्यूज़ियम है। अभी जाते हैं म्यूज़ियम में, देखते हैं क्या क्या है एक्सप्लोर करने को। काइंड ऑफ व्यू दे रहा है एंड पुराने जो हमारे 1500-1600 ईडी की टाइमिंग थी उस टाइमिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी हिस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है, फोटोग्राफ्स एंड बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो अगर आप हिस्ट्री पे इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए बेस्ट जगह है सिटी पैलेस। हाँ अगर आप आ रहे हो तो 2 से 3 घंटे पहले आना अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक ही चीज़ थॉरली आप देना चाहते हो। So that's all about museum in Sede Palace and quite nice, it's quite nice and पुरानी चीज़ और experience करने को मिलता है हमेशा, मुझे अच्छी वाइब आती है। उस time में इतनी मेहनत करके सब लोग बनाते थे, कारीगरी का इतनी अच्छी होती थी एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन सी द लेक व्यू। 30 रुपये की टिकट है एंड सनसेट इज लुकिंग अमेजिंग, लुक एट द व्यू। Let me show you the time lapse of sunset and it is looking amazing and just look at the view, man. भैया एक एक करके बताना है क्या क्या है। ठीक है ये क्या चीज है, ये लाल वाली, ठीक है धनिया पुदीना, ये क्या है, ये सैलेड टमाटर है मुझे लग रहा है, है ना मुझे गाजर लग रहा है। चल चल वो डाल रहे हैं उनकी फोटो बना, मिक्स दाल है, हम मिक्स दाल है जैसे लेकिन नामा में। अच्छा अरे इसको बिना तोड़े नहीं रह सकते ये, वाह बस थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली क्या कहते हैं इसे, बाटी बाटी मतलब कि ठीक है एंड वी हैव कौन सी रोटी पापड़ चौसेवास।
So guys, we are having dinner. Introduce yourself. Hi, my name is Pulkita. Are you dad? Yeah. So she is Pulkita. I'm Pulkita. Okay. And this is my plan. This. The eating this. Part. Eating part only. No. That would work my plan. Okay. I'm grateful to you. Thank you. And bro. I'm busy. He's having food and busy. Having but busy. Good time. Swati, abhi kuch bolo. Ab to bilkul nahi bolegi. Can even khana do. क्या तो बोलेगी कुछ बोल लो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि दाल भाटी कैसे खाना चाहिए हाँ ठीक है चलो बताओ आप थोड़ी सी दाल डालते हैं मिक्स दाल ओके आप डालते हैं गट्टे की सब्जी जो मैंने पहले डाल दी है ठीक है और ये कैप्सिकम है ये पुदीने की चटनी है और ये लहसुन लहसुन की चटनी है हाँ। और ये हल्की सी हम डालेंगे मिक्स किया और फिर इसे बना के आहा और इसको हाथ से खाना होता है और ये इनकी तरह नहीं खाना है ये बहुत ड्राई है ये अभी रुको ना कर रहे हैं कुछ ठीक है और हल्का दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे 1 आफ्टर विजिटिंग सिटी पैलेस एंड पिचोरा